यहाँ पे चार डिफेंस को तो आराम से तोड़ देना तू। 1 2 3 4 तो हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सनी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले कुछ बड़ा मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे अभी मैंने जो अटैक किया, मतलब वीडियो के ऑफ जो भी अटैक करता है उसमें 100% होता ही है, लूट भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये जो लास्ट वाला अटैक हुआ इसमें हम लोगों ने, मतलब मैंने जो किया अटैक उसमें 100% होते होते रह जाता अगर किस्मत साथ नहीं देती। तो लास्ट में क्या हो गया था कि एक बिल्डर हट छूट गया था कॉर्नर पे एंड उसे लेने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो आई थिंक कि वी शुड अपग्रेड हर टू लेवल 5। लेवल 4 तक ये है एंड लेवल 5 का आज हम लोग इसे करेंगे एंड इसे चेक करेंगे अटैक करके कि किस तरह से ये मतलब काम करती है, इसका एबिलिटी किस तरह का काम करता है रॉयल चैम्पियन का। तो इसे अपग्रेड तो करेंगे ही, उससे पहले देख लेते हैं आर्मी अपना ट्रेन है। ओके ट्रेन है एंड ग्रैंड वार्डन को उठने में अभी टाइम लगेगा तो हम लोग बूस्ट वगैरह नहीं करेंगे। वैसे ग्रैंड वार्डन रहता तो 3-स्टार लेने में आसानी होती, बट उसे छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं। एंड हमारे पास ढेर सारे डार्क एलिक्सर भी हैं और इधर ढेर सारे मतलब डेकोरेशंस भी बिल्कुल क्या बोलते हैं सिमेट्री में है। तो मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग ये करना जो कि मैं अभी करने वाला हूँ, क्योंकि देख लो इसे अपग्रेड करने में, ग्रैंड वार्डन तो नहीं रॉयल चैम्पियन को अपग्रेड करने में लग रहा है 2 दिन 12 घंटे। एंड हम लोग इसमें अपना बुक ऑफ हीरो यूज़ करने वाले हैं जो कि यहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास एक बुक ऑफ हीरो यहाँ पे भी पड़े हुए हैं एंड एक बुक ऑफ हीरो मेरे पास यहाँ पे भी है जिसे कि हम लोग ले सकते हैं। तो इसको लेने में भी कितने दिन लगेंगे, 20 घंटे में इसे लेना, तो इसे ही हम लोग क्लेम करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, 1 मिनट जैसा पार हो गया तो फटाफट से इसे करते हैं अपग्रेड एंड फिर करेंगे हम लोग एक अटैक। तो अपग्रेड करते हैं इसे 4 लेवल 5। 1,60,000 डार्क एलिक्सर का अपग्रेड है फॉर 2 डेज 12 आवर्स जो कि हम लोग स्किप करेंगे इन बड़ा बिंग बड़ा बूम। 3 2 1 बैम। ओके बैम बोलने से पहले ही मैंने क्लिक कर दिया था, अब सही टाइम पे बैम बोलेंगे। 3 2 1 बैम। ओके तो लेवल 5 की होगी हमारी रॉयल चैंपियन एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसे अपग्रेड करने के बाद ये गार्ड से हट गई, तो इसे हम लोग फिर से गार्ड में लगा देंगे ताकि कोई भी अटैक करे हमारे बेस पे तो ये फिर स्लीप मोड में ना चली जाए, मतलब डैमेज मोड में, रिकवरी मोड में। ओके तो अब यहाँ से इसे हम लोग क्लेम कर लेते हैं एंड इसे रख देते हैं अपने स्टॉक पे और उसे हम लोग बाद में क्लेम करेंगे। आई थिंक हमें ग्रैंड वार्डन को उठा ही लेना चाहिए क्योंकि कल जो हमने अटैक किया था उसमें यार 3-स्टार होते होते रह गया था। एंड अब चलो करते हैं अटैक, किंग को रहने दो वैसे ही। तो अब फाइंड करते एक बेस और देखते कोई अच्छा सा बेस मिल जाए जिसमें डार्क एलिक्सर भर भर के हो और ऑब्वियसली स्कैटर शॉट ना हो, अभी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड फाइंड करते एक डिसेंट सा बेस जिसमें अच्छे खासे लूट हो और हिट करते उसे ही। ओके तो देख लो टेक्निकली इस बेस पे हमें अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे के सारे मेन डिफेंसेस डाउन पड़े हुए हैं, बट हम लोग यहाँ पे कोई क्या बोलते उसे प्रदर्शन करने नहीं आए कि हमारे पास इतना मतलब एबिलिटी इस बेस को हम लोग हिट कर सकते हैं एंड 3-स्टार कर सकते हैं, वो हम लोग करने नहीं आए, हमें बस चाहिए लूट। तो इसी पे आई थिंक करते हैं एंड हम लोग अपना आज रॉयल चैम्पियन का यूज़ करके देखेंगे किस तरह की है इसकी एबिलिटी। तो क्वीन वॉक करेंगे हम लोग इस साइड से एंड तीनों के तीनों एयर डिफेंस डाउन कर देंगे, वैसे तो डाउन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले इसे डालते हैं एंड क्वीन को डालते हैं और डालते हैं अपना एक टेस्ट बलून, कोको लून भी कहते हैं। वैसे तो इस बेस पे कोई भी एक्टिव वो नहीं रहेगा, ब्लैक माइन नहीं होगा क्योंकि बेस तो पूरी तरह से डेड है, बट फिर भी हम लोग अपना जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करते हुए चलते हैं। किंग हमारे पास नहीं है तो फनलिंग थोड़ी सी किंग करता है, बट वो नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम लोग अपना मेन अटैक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मतलब उससे पहले हम लोग डाउन कर देते हैं ये जो जितने भी एयर डिफेंस यहाँ पे खड़े हुए हैं उन सभी को। और हमारा ये गाड़ी टूट गया, क्या बोलते हैं इसे, वॉल ब्रेकर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसके बगैर भी झेल लेंगे क्योंकि 2 लेयर्स ऑफ वॉल उसने आसानी से तोड़ दिया, आसानी से। ओके तो वेट करते हैं, सारे के सारे एयर डिफेंसेज ये क्वीन ले लेगी आई थिंक 3। ओके एक यहाँ पे, तो फोर्थ वाले को तो टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि कोई भी अब बचा नहीं है बेस में। एंड आई थिंक, अरे यार ये क्यों मार रहा है भाई, फ्रीज करने से पहले ही बेचारा मर गया। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी 3 हीलर्स हैं एंड एक रेज डाल देते क्वीन को अलाइव रखने के लिए और हम लोग अपना अटैक स्टार्ट करते। इसे हम लोग छोड़ देते अभी लास्ट में, इसे तोड़ेंगे
क्योंकि रॉयल चैंपियन का एबिलिटी यूज़ करके हो सके तो उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अटैक जो कि है ड्रैगन वाला, और विजर्ड अपना बचा करके रखते हैं विद रॉयल चैंपियन। रॉयल चैंपियन को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे और फिर देखते हैं तोड़ करके किस तरह से टूटता है, मज़ा आ जाएगा अगर उस तरह से टूटेगा तो। और ये हीलर को क्यों मार रहा है तुम लोग? एंड एबिलिटी मैंने ऑटो पे करके रखा हुआ है तो मैं खुद से यूज़ नहीं करूँगा, ये अगर खुद से यूज़ करती है तो अच्छी बात है। और इधर एक रेज डाल देते हैं हम लोग अपना, और एक फ्रीज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीन फ्रीज अभी भी बचे हुए, यार बहुत सारा बचा हुआ क्योंकि बेस जो था वो पूरी की पूरी डेड था। और हम लोग अब रॉयल चैंपियन को इधर से एंटर करवाते हैं, ये मेनली डिफेंसेस को टारगेट करती है इसलिए ये डिफेंस की तरफ ही जाएगी। इसे बचा करके रखते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी हमें यूज़ करनी है जो कि मज़ा आएगा, देखते हैं। एंड आई डोंट नो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ एंड आई डोंट नो इसमें साउंड रिकॉर्ड होगा या फिर नहीं होगा। तो अभी इसकी एबिलिटी यूज़ नहीं करेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी इसकी। ओके ये अभी आ गई इसको मारने, अब करेंगे इसकी एबिलिटी यूज़ एंड अब ओके कैप्टन अमेरिका की बहन। ओके तो ये कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है जैसा कि सुपर सेल के टीम ने बताया, बट यार एबिलिटी यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। एक बार और हम लोग उसकी एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं, बाहर जा करके देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो मज़ा आया मुझे बहुत ही ज़्यादा, पहली बार ऐसा हीरो देखा हमने जहाँ पर डिफेंस दूर में हो वहीं पर यूज़ करेंगे। यहाँ से यूज़ करके देखते हैं 5 लेवल की इसे तोड़ पाती है या फिर नहीं। ओके एक शॉट में तोड़ देती यार, सरेंडर करते। एक बार और हम लोग यूज़ करेंगे, मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। एंड एक और ट्राई। ओके तो मैक्स लेवल आई थिंक ये आर्चर टावर मैक्स है, तो इसे ही तोड़ करके देखते हैं, क्या पता इसे भी तोड़ दे एक शॉट में। हुआ ओके एक शॉट में मैक्स को नहीं तोड़ पाई, आई डोंट नो वो मैक्स था कि नहीं, आई जस्ट गेस्ड। ओके तो प्रैक्टिस एरिया पे नहीं, सिंगल प्लेयर पे चलते हैं। और ड्रैगन स्लेयर को तो मैंने 3 स्टार कर दिया है। इधर से कोई भी एक बेस उठा करके उस पर एक बार अटैक करने की कोशिश करते हैं और इसका एक बार और टेस्ट ऑफ एबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे 4 डिफेंस को तो आराम से तोड़ देना तू, 1 2 3 4 खतरनाक। ओके तो हम लोगों ने यार आज चेक किया, बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से गुदगुदी टाइप की मची हुई है इस नए हीरो की एबिलिटी को यूज़ करके, बहुत ही मज़ा आया। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करो एंड इसी तरह के क्लास ऑफ क्लैंस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम सनी यार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।